नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बना रही हूँ कटहल के कुरकुरे पकौड़े, जो बहुत जल्दी बन जाते हैं और आपको बहुत पसंद आएंगे। चलिए फिर बनाते हैं कटहल के कुरकुरे पकौड़े। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कटहल ले लिया है सबसे पहले और इसको उबाल लिया है थोड़ा सा नमक डाल के। बहुत हल्का सा उबाला है हमने, हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है बस, इसकी वीडियो शूट नहीं हो पाई है। तो चलिए फिर बनाते हैं इसके बाद फटाफट कटहल के पकौड़े। देखिए सबसे पहले मैंने ये बर्तन ले लिया है और इसमें मैं एक कटोरी बेसन डालूंगी। ये मैंने बेसन को छान लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये आधा कटोरी सूजी। आपके पास सूजी नहीं है तो आप चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें टेस्ट के अनुसार डालिएगा नमक। मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर, एक चम्मच इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा हींग। और देखिए ये दो मिर्च काट ली है मैंने, ये इसमें डाल देंगे हम। इसके बाद इन सबको मिक्स कर देंगे और इसका हमें बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, पतला नहीं रखेंगे हम इसके बैटर को। थोड़ा सा इसमें पानी डाल डाल के इसके बैटर को गाढ़ा करेंगे। देखिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, 2-3 चम्मच, और फिर इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है जिससे सूजी 5 मिनट में फूल जाएगी। देखिए हमने इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है, इसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट पर। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं हमारा बैटर कैसा हुआ। सूजी फूल गई है और बैटर बिल्कुल सही हो गया एकदम जैसा हमें चाहिए था। अब इसके बाद हम ये जो कटहल हमने उबाला था ये हम इसमें डाल देंगे सारा और इसे मिक्स कर देंगे। देखिए जिससे पकौड़ों का कलर अच्छा है, हम थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। और देखिए ये गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया और इसमें रिफाइंड डाल दिया है, और इसके बाद हम ये पकौड़े इसमें डालेंगे अपने। और फ्लेम इस समय बिल्कुल मीडियम हो जाना चाहिए। हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, नहीं तो पकौड़े ऊपर से जल जाएंगे, अब अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए नीचे से ये हो गए हैं, अब हम इन्हें पलट देंगे। ये बहुत कुरकुरे बनेंगे, आप इन्हें एक बार जरूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं कटहल के पकौड़े ये। इस तरह से हम सारे पकौड़ों को पलट देंगे। देखिए हमारे ये कटहल के पकौड़े रेडी हो गए हैं ये वाले, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हम दूसरे वाले भी इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने ये पकौड़े भी डाल दिए हैं, अब इन्हें भी इसी तरह से हम सिकने देंगे। देखिए ये नीचे से सिक गया, अब हम इन्हें पलट देंगे और नीचे से ऐसी पीछे की साइड से भी इन्हें सेकेंगे। देखिए ये वाले भी हो गए हैं, अब इन्हें भी हम प्लेट में ले लेंगे। ये बहुत करारे बनते हैं। चलिए इस तरह से हम सारे पकौड़े बना लेंगे अपने।
देखिए हमारे कुरकुरे कटहल के पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं। आजकल वैसे भी बरसात का सीजन है और कटहल का भी सीजन है। आप इसे एक बार जरूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इसे ग्रीन चिली सॉस या टमाटो सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर नई रेसिपी पर, तब तक के लिए नमस्कार।